आध्यात्मिक जिज्ञासा स्वामी भूतेशानंद। महाराज, मिशन का इतना नाम क्या केवल प्रचार से या आदर्श की व्यापकता से हुआ है? महाराज, प्रचार के कारण हुआ है। लोग इस विषय में अधिक सचेत हुए हैं, उनकी अधिक रुचि हुई है, किंतु सभी लोग आदर्श के संबंध में उत्साहित होकर दीक्षा लेते हैं ऐसी बात नहीं है। बहुत सा पारंपरिक हो जाता है। इसका विपरीत परिणाम यह है कि जिनकी दीक्षा हो रही है वे लोग अपने गुरु को नहीं पहचानते, जबकि दीक्षा लिए हुए हैं। एक बार कई लोग आए थे, पूछ रहे हैं हमारे गुरुदेव कहाँ हैं। उनसे पूछा गया, तुम लोगों के गुरु कौन हैं? तब जिसने पूछा था वह दूसरे को पूछ रहा है, कौन है रे? गुरुदेव को नहीं पहचानते, नाम भी नहीं जानते। अभी जो दीक्षार्थियों की इतनी भीड़ हो रही है, सभी लोग अपनी रुचि या आदर्श से आकर्षित होकर आ रहे हैं ऐसा नहीं है। फिर किसी किसी को लगता है कि बेलूर मठ से दीक्षा लिया हूँ, यह सम्मान की बात है। इस तरह विभिन्न प्रकार से आकर्षित होकर लोग आ रहे हैं। क्योंकि विस्तार हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले पहल जो लोग दीक्षा लेने आते थे, राजा महाराज उनकी बहुत सीमित संख्या रखते थे, बहुत कम। महाराज, नहीं, तब ये जो अधिक संख्या में दीक्षा हो रही है या दी जा रही है, इससे क्या हमारे संघ का उद्देश्य सफल हो रहा है? महाराज, उद्देश्य अर्थात वे लोग इसके द्वारा रामकृष्ण मठ मिशन का आदर्श और अपने जीवन निर्माण का पथ जान सकते हैं। नहीं महाराज, जो लोग पारंपरिक ढंग से आ रहे हैं उनकी बात कह रहा हूं। महाराज, उन लोगों की धीरे धीरे आदर्श की ओर सजगता आएगी, ऐसी आशा की जा सकती है। महाराज, एक दूसरी बात देखी जाती है। रामकृष्ण मठ मिशन में जब कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तब भक्तों की ओर से कोई समर्थन नहीं मिलता। महाराज, कुछ समर्थन अवश्य मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता ऐसा नहीं है। समर्थन मिलता है किंतु वह पर्याप्त नहीं होता। इसका कारण है कि उनकी क्षमता कम है। इस संबंध में उन लोगों का चिंतन भी कम है। लेकिन वे लोग चाहते हैं कि रामकृष्ण मठ मिशन निर्विघ्न रूप से उन लोगों का कार्य करता रहे। महाराज, आप लोगों ने जब किसी केंद्र में राहत या अन्यान्य कार्य किया, तब रामकृष्ण मिशन के प्रति जनसाधारण का कैसा दृष्टिकोण देखा है? महाराज, राहत कार्य के क्षेत्र में हम लोगों ने बिल्कुल अपरिचित लोगों में कार्य किया है, इसलिए वहां लोगों का आकर्षण कुछ पाने के लिए हुआ है। वे लोग भी कुछ दे सकते हैं ऐसा वे लोग नहीं सोचते थे, इसलिए राहत कार्य का प्रतिफल ऐसा नहीं दिखता था। किंतु यह साधुओं के जीवन में प्रगति का एक पथ होता है, किंतु समाज इस संबंध में अधिक सचेत नहीं है। महाराज, राहत कार्य के अतिरिक्त सामान्य रूप से मिशन के अन्यान्य कर्मों के साथ जो लोग संयुक्त हैं, वे ऐसे ही आते हैं या आदर्श की प्रेरणा से आते हैं? महाराज, देखो, साधुओं की ओर या आदर्श की ओर जो आकर्षण है, वह समान रूप से जनता में नहीं पाया जाता, कभी भी नहीं पाया जाता है, किसी भी युग में यह नहीं हुआ है। किंतु इसमें जो लोग उत्साही हैं, उन लोगों ने जीवन का निर्माण करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त अधिकांश घिसे पीटे हैं। महाराज, आपने तो द्वितीय विश्व युद्ध देखा है, अनेक कार्य किया है। स्वतंत्रता संग्रामियों के साथ मिशन का संबंध कैसा था? महाराज, स्वतंत्रता संग्रामियों में दो दल थे। एक दल था
जो हम लोगों को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। एक दूसरा दल था जो हम लोगों के आदर्श से आकर्षित था। उनमें से कोई कोई हमारे संघ के साधु बने। जो ऐसा नहीं कर सके उन लोगों ने आदर्श को ग्रहण कर अपने अनुसार जीवन व्यतीत किया। महाराज, इससे मिशन का कार्य भी तो बाधित हुआ है। भारत सरकार मिशन के बारे में विभिन्न प्रकार से सोचने लगी। महाराज, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, विशेषकर क्रांतिकारियों से हम लोगों का संबंध रहने के कारण तत्कालीन अंग्रेज सरकार हम लोगों पर बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि रखती थी, यह सोचकर कि ये लोग क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थल है। उनका एक उदाहरण इस प्रकार है। तब बाबूराम महाराज थे। पुलिस ने आकर कहा, आपके यहाँ जो लोग आवागमन करते हैं उनका नाम देना होगा। बाबूराम महाराज ने जोर से कहा, हम लोग इस प्रकार नाम नहीं दे सकेंगे। तुम लोगों की इच्छा हो तो तुम लोग गेट पर आदमी रखकर नाम लिखो। हम लोग नाम देंगे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार संशय की दृष्टि से सरकार हम लोगों को देखती थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वैसा विचार नहीं रहा। महाराज, स्वतंत्रता के पहले रामकृष्ण मिशन का विस्तार और स्वतंत्रता के बाद रामकृष्ण का विस्तार, ये दोनों आपको कैसे लग रहा है? महाराज, स्वाधीनता के बाद कार्य का विस्तार द्रुत गति से हुआ है। स्वतंत्रता के पहले कार्य इतनी द्रुत गति से नहीं बढ़ा। इसके दो कारण हैं। प्रतिबंध अवरोध कम हुआ है, सरकार की सहायता बढ़ी है, इसीलिए हम लोगों के सभी केंद्रों में कार्य का विस्तार बहुत हुआ है। महाराज, ये जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी जो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में अग्रसर हुए, इन लोगों ने रामकृष्ण मिशन की सहायता की है, आपको कुछ ज्ञात है क्या? महाराज, नेहरू, गांधी जी बहुत उत्साही नहीं थे। हम लोगों के सेवा कार्यों को वे किस रूप में देखते थे मैं नहीं जानता, किंतु नेहरू जी की श्रद्धा थी। संभवतः वे सोचते थे हम लोग इस राष्ट्र विकास के कार्य में उन लोगों जैसा योगदान नहीं कर पाते हैं, किंतु आदर्शवादी दृष्टि से हम लोगों को श्रद्धा भाव से देखते थे। महाराज, हम लोगों के कार्यों में क्या केंद्र सरकार उस समय अनुदान देती थी? महाराज, सरकार ने दिया है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। राज्य सरकार तो हम लोगों की बहुत बड़ी भक्त है, बंगाल में बहुत रुपया भी दी है, विभाजन के बाद भी दी है। उसके कारण अनेक शिक्षा संस्थान हु करके बढ़ गए हैं। हम लोगों ने अपनी क्षमता से अधिक काम ले लिया है, इसीलिए अभी बहुत कष्ट हो रहा है। अभी कह रहा हूँ, ठीक ही, कैसे संभालें उसे। जैसे स्वामी जी ने कौशल विकास शिक्षा पर अधिक जोर दिया है, हम लोगों ने कौशल विकास की शिक्षा के लिए बहुत प्रचार नहीं किया है, बल्कि करने जाने पर बहुत बाधा हुई है, क्योंकि यहाँ जो शिक्षक या छात्र हैं वे सच्चे आदर्शवादी नहीं हैं, वे हमारे आदर्श को ग्रहण नहीं करते हैं। लौकिक दृष्टि से सुविधा होगी, शिक्षा मिलेगी, इसलिए वे लोग आए हैं, क्योंकि उनमें विक्षोभ हुआ है, इसीलिए विभिन्न संस्थानों पर हम लोगों की दुर्दशा हुई है। वह विचार अभी चला गया है ऐसा नहीं लगता है। प्रश्न, ठाकुर की संतानों की महासमाधि के बाद जो कमी हुई थी उसे मिशन कैसे पूर्ण कर आगे बढ़ा? महाराज, कमी इस प्रकार से कि ठाकुर की संतानों जैसा आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्तित्व हम लोगों के भीतर साथ साथ निर्मित नहीं हुआ, निर्मित होगा भी नहीं। उसके बाद कार्य में बहुत विस्तार हुआ है, उन लोगों के बाद कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। यह बात मैंने पहले ही कही है कि इससे आध्यात्मिक जीवन थोड़ा बाधित हुआ है। महाराज, स्वामी जी ने बालिकाओं को शिक्षित करना या उनके विकास की बात बहुत कही है। महाराज, हाँ, स्वामी जी ने बालिकाओं के शिक्षा की बात बहुत कही है,
रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत निवेदिता स्कूल था। उसके बाद हुआ महिला मठ, शारदा मठ दक्षिणेश्वर। अभी महिला मठ का बहुत विस्तार हुआ है, उन लोगों का कार्य बढ़ रहा है और दोनों संस्थाएं ही आदर्श को ग्रहण कर आदर्श में प्रतिष्ठित होकर ही कार्य करने की चेष्टा कर रही हैं। किंतु कठिनाई यह है कि अधिक कार्य करने के कारण सामान्य जनता ने हम लोगों का संबंध सीमित हो गया है। सीमित होने का कारण पहले ही कहा है, वैतनिक कर्मचारी बढ़ गए हैं और हम लोगों की उन्हें संभालने में ही प्राण जाने की अवस्था हो जाती है। कार्य का विस्तार होने पर यह बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। एक निबंध में पढ़ा था एक शैतान और एक भक्त एक साथ जा रहे हैं। भक्त कह रहा है, शैतान तुम्हारा राज्य गया। शैतान ने कहा, क्यों? भक्त ने कहा, एक व्यक्ति को देखा कि विशुद्ध सत्य अचानक मिल गया, इसलिए तुम्हारी अवस्था गई। शैतान ने सुनकर कहा, चिंता मत करो, उन लोगों को मैं संगबद्ध होने के लिए प्रलोभित करूंगा। अभी हम लोग संगबद्ध होने के लिए पानी में तैरते उतराते हैं। महाराज, आपको क्या लगता है, हम लोगों को कार्य अब नहीं बढ़ाना चाहिए? कार्य बढ़ाना ही हो तो नया केंद्र खोलना है। महाराज, हम लोग हमेशा कहते हैं कि कार्य नहीं बढ़ाएंगे, किंतु कार्य की गति धारा ही ऐसी है कि वह सदा बढ़ती ही जाती है। महाराज, अब तक देखा गया है भारत के सभी प्रदेशों में हमारा केंद्र नहीं हुआ है। महाराज, नहीं नहीं हुआ है। महाराज, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? महाराज, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी योजना बनाकर कुछ नहीं किया है। अभी भी योजना बनाकर कुछ नहीं हो रहा है। केवल जहां भक्तों ने साग्रह निवेदन किया है वहीं हमारा आश्रम स्थापित हुआ है, इसी प्रकार विस्तार हुआ है। ठीक भौगोलिक दृष्टि से विस्तार नहीं हुआ, अभी भी ऐसा ही है, किंतु अन्य राज्यों के लोग भी चाहते हैं अपनी क्षमता अनुसार उन लोगों की सहायता कर कदाचित हम लोग कहीं आश्रम स्थापित कर रहे हैं, कहीं नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी यह स्थिति चल रही है। एक वाक्य में, हम लोगों ने कोई योजना बनाकर कार्य नहीं किया।